देखिए कंप्यूटर आज का हमारा विषय है कंप्यूटर में विंडोज कैसे इंस्टॉल की जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर में सीडी लगाएंगे विंडो 8 की, जो भी हमें विंडो डालनी होती है उसकी हम सबसे पहले सीडी लगाते हैं। उसके बाद सिस्टम को करते हैं रीस्टार्ट। सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, चूंकि हमने सीडी लगाई है तो सबसे पहले हम सीडी को बूट कराएंगे, राइट। सीडी को बूट कराने के लिए बायोस में ये लिख के आ रहा है आपका बूट डिवाइस ऑप्शन में F9 दबा देंगे। सभी कंप्यूटर का अपना अपना रहता है, कुल मिला के हमको सीडी बूट कराना है और अदर डिवाइस में, क्योंकि फर्स्ट में तो हार्ड डिस्क है तो अदर डिवाइस में जाके इंटर मारेंगे। देखिए कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले हम सीडी लगाएंगे और सीडी को बूट कराएंगे। प्रेस एनी की मांगेगी, प्रेस एनी की दबा देंगे, उसके बाद अब ये प्रोसेसिंग अपनी अभी चल रही है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद फिर करेंगे नेक्स्ट और इसके बाद करेंगे इंस्टॉल नाउ। ठीक है, यहां पर ये मोबाइल की मांगता है, क्या मांगता है? मोबाइल की। की तो अब हमारे को यहां पर की जरूरत होती है विंडो 8 की। तो ये हमें की डालना है, ठीक है। ये है आपकी विंडो 8.0। कौन सी विंडो है? 8.0। की डालने के बाद फिर करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए इसमें दो विंडो है, एक आपकी विंडो 8.0, ये देखिए ये जो आ रहा है ना 86 का मतलब हो गया 32 बिट, और ये आ रहा है 64 यानी 64 बिट, तो हम इसमें डालेंगे 32 बिट का, ठीक है। तो 86 को सिलेक्ट करेंगे, अगर हमें 32, ज़्यादातर कंप्यूटर में हम 32 बिट वाली विंडो ही यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, 86 पे जाके और नेक्स्ट जो मतलब वो करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद करेंगे आई एक्सेप्ट और उसके बाद फिर नेक्स्ट और उसके बाद जो मतलब वो कस्टम करेंगे। इसके बाद ये हमारे कंप्यूटर के टोटल पार्टीशन है, राइट। अब जैसा कि हम इसको फुल फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके सारे पार्टीशनों को डिलीट करेंगे। पहले एक पार्टीशन सिलेक्ट किया, ड्राइव ऑप्शन में गए, डिलीट, ओके। ये देखो पहला पार्टीशन डिलीट हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि अनलोकेटेड स्पेस दिख के आ रहा है। फिर ये दूसरा, ये तीनों पार्टीशन अभी बने हुए हैं, फिर दूसरा पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट का बटन दबाएंगे, फिर ओके करेंगे, ये दूसरा पार्टीशन भी डिलीट हो गया, फिर तीसरा पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट का बटन दबाएंगे, फिर ओके करेंगे, ये भी पार्टीशन डिलीट हो चुका है, फिर एक और पार्टीशन बचा है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट का बटन दबाएंगे, फिर ओके करेंगे। ये सारे पार्टीशन डिलीट हो चुके हैं और ये हमारी हार्ड ड्राइव टोटल साइज है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कितना है 149 GB। एक्चुअली इसमें 160 GB की हार्ड डिस्क है, इसलिए 149 GB यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इसमें नए पार्टीशन बनाएंगे, तो नॉर्मली हम कंप्यूटर में 3 पार्टीशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये पार्टीशन बनाने के लिए हम न्यू में जाएंगे, यहाँ पर चूँकि ये MB में लिखना होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 150 GB की 160 GB की हार्ड डिस्क है तो 50-50 के 3 पार्टीशन बना लेंगे, तो यहाँ पर जाके लिखेंगे 50,000, ठीक है। 50,000 MB बराबर 50 GB होता है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा पार्टीशन बन गया, सी। और ये सिस्टम पार्टीशन जो है ये विंडो 8 में 350 MB का बनता है और विंडो 7 में 100 MB का बनता है और विंडो 8 में जो है 8 MB का बनता है। ये सिस्टम अपने लिए बाई डिफॉल्ट बना लेता है, लेकिन हमारा सी कौन सा है, सी पार्टीशन है, पार्टीशन लिखा है ना पार्टीशन टू, ये सी है। अभी ये अनलोकेटेड स्पेस, ये जगह अभी खाली है, तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और पार्टीशन बनाने के लिए न्यू में जाएंगे और फिर यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे 50,000 और फिर से उसको अप्लाई कर देंगे। अब देखिए पहले सी पार्टीशन बन गया था, अब डी पार्टीशन बन गया, अभी ये जगह और बची हुई है, अभी 51 GB अनलोकेटेड स्पेस। अब इसको सिलेक्ट करेंगे
फिर न्यू में जाएंगे। अब हम टोटल का बना देते हैं, 51 का पूरा बना देते हैं ना, और फिर से जा करके क्या कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे तीनों पार्टीशन बन चुके हैं, राइट। ये सी है, ये डी है, ये ई है, सी डी ई, राइट। अब हमको विंडो किसमें डालना होती है, हमेशा सी में, राइट। विंडो हमेशा सी में डालनी होती है, तो सी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, और सी ड्राइव को सिलेक्ट करके क्या चीज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर मान ले कि चलिए कोई कंप्यूटर आता है हमारे पास और वो बोलता है भाई साहब इसकी केवल सी ड्राइव फॉर्मेट होना है, तो अगर हमें केवल सी ड्राइव फॉर्मेट करनी होगी तो हम ऐसे पार्टीशन तो ऑलरेडी बने होंगे उसमें, और जैसे डी में डेटा है और ई में भी डेटा है, और सिर्फ सी सी फॉर्मेट, कई बार ज़्यादातर कंप्यूटर में हमें सी फॉर्मेट करना होता है क्योंकि डी और ई में कस्टमर का जैसे डेटा है, राइट। तो अकेली सी को फॉर्मेट करने के लिए हम सी ड्राइव को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, सी को फॉर्मेट करेंगे, राइट। सी को फॉर्मेट करेंगे, और सी को फॉर्मेट करने के बाद इसमें ये जो 350 एमबी का पार्टीशन है इसको भी फॉर्मेट करेंगे, यानी सिर्फ सी फॉर्मेट करने के लिए इन दोनों को फॉर्मेट करने के बाद सी को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और अगर हम लोग को फुल फॉर्मेट करना है तो सारे पार्टीशन बनाने के बाद सी को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, राइट। ओके, तो ये हमने सी को सिलेक्ट मतलब वो कर लिया है और ये कर दिया नेक्स्ट, और ये आपकी विंडो चढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। अब ये कम से कम 10 से 15 मिनट का, देखिए सबसे ज़्यादा समय लेती है विंडो एक्सपी चढ़ने में, उससे कम समय लेती है विंडो 7, और उससे भी कम समय लेती है विंडो 8। विंडो 8 सबसे कम समय में चढ़ जाती है, राइट। हम थोड़ा सा आप इंतज़ार करेंगे 10 मिनट का। ठीक है साहब, अब यहाँ पर ये सेटिंग जो पूछ रहा है इसमें सेटिंग देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है ना पीसी नेम, इसमें आप इसमें अपने को अपना नाम लिखना होता है पीसी नेम, जैसे अपन ने इसमें डाल देते हैं PIIT, और यहाँ पे अपने कोई भी एक नाम डालने के बाद इसको करते हैं अपन नेक्स्ट, क्या करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये हमारे जो वाईफाई के नेटवर्क हैं उनके लिए पूछ रहा है, तो इसको कर देंगे हम लेटर, क्या कर देंगे जो है लेटर, अभी फिलहाल हम कनेक्ट नहीं कराएंगे, और इसको करेंगे कस्टमाइज, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, और इसको करेंगे नेक्स्ट, और इसको भी करेंगे नेक्स्ट, और इसको भी करेंगे नेक्स्ट, और फिर से यहाँ पर ये नाम मांग रहा है, तो जो नाम हमने पहले दिया था वो नाम नहीं लिखना है, उससे डिफरेंट कुछ भी नाम डाल दो, है ना। जैसे हमने यहाँ पर नाम डाल दिया प्रतीक, उसमें PIIT डाला था ना, इसमें प्रतीक डाल दिया, ऐसे कोई भी दूसरा नाम दे सकते हो, और इसको फिनिश कर दें। अब बाकी अब कोई सेटिंग नहीं करनी, अब जो भी है सब बाकी एक इसके जो अभी अपन ने सेटिंग की, इसके बाद ये सारा सब कुछ अपने आप चलता है, अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी बस 2-4 मिनट का समय लगेगा और हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जो अभी हमने सेटिंग की उसके बाद कोई सेटिंग नहीं रहती, ये सब कुछ अपने आप होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है ना, और ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका है, यानी इसमें विंडो 8 इंस्टॉल हो चुकी है।
ठीक है सर, ये आ गया। अभी इसमें एक ही आइकॉन आ रहा है, और आइकॉन लाने के लिए वही राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे, और पर्सनलाइज में जाने के बाद ये लिखा है ना चेंज डेस्कटॉप आइकन, इस पर जाएंगे, और केवल हमें इसमें दो ही आइकॉन की ज़रूरत होती है, माई कंप्यूटर और यूज़र, दोनों पर टिक करके क्या करेंगे, ओके, राइट, बात खत्म। ये सारे आइकन आ चुके हैं, और ये हमारी इसमें कम्प्लीटली विंडो 8 इंस्टॉल हो चुकी है, राइट।